वर्णन का हाल। ये नहीं, हाँ खुल गया खुल गया, खुला बाबा खुल गया। कहाँ की पता बाबू? बोलनी है तो हाँ, उसको ना चाहिए ऐसे एक दो बार और करती हाँ, कहता हूँ लगाओ फोन, उठाओ ना सब फोन। यहाँ पे बैटरी डाउन हो चुका है गाड़ी का, हम लोग 10 मिनट से ट्राई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं आ रहा, मतलब गेट भी नहीं खोल रहा था और ड्राइवर क्या किया है कि हेडलाइट ऑन करके छोड़ दिया है, तो पूरा बैटरी डाउन हो चुका है एकदम। अब देखिए कैसे स्टार्ट होता है गाड़ी। और यहाँ पे अंकित और मैं भाई, मतलब अंकित देवर और भाई यहाँ पे मिलके गाड़ी को मतलब स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई, रूम में आके वेट कर रही हूँ ये। अब मैं सोची मैं रोड पे क्या करूँगी, फिर ये मैकेनिक को बुलाने गए हैं, बुला के आएंगे जब ठीक हो जाएगा तो मुझे बुला लेंगे, तो मैं तब तक रूम में बैठी हूँ आके बाबू खिला रही हूँ। और आज इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब माँ को आप देखेंगे बहुत गुस्सा हो रही थी ड्राइवर के ऊपर। मैं यहाँ पे पतिदेव जी गन्ना बैठ के नीचे छील रहे हैं, बेटा बेटी को खिला रहे हैं, बिकॉज बेटी को खुद से खाने नहीं आता है गन्ना दांत से छील के, तो वो नाइफ से छील के छोटे छोटे पीसेस करके दे रहे हैं। मेरे से तो नहीं होता है गन्ना छील के, मतलब मैं खा भी नहीं पाती हूँ ना छीलने आता है मुझे, और मैं जो बचपन से खाया वो खा सकता है, मुझे मतलब माँ ही छील के देती थी, और मुझे तो जूस ही ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे पूरा मस्ती कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, और कुछ उसे मतलब कुछ जैसे बोलते रहो तो उसको अच्छा लगता है, कुछ गाते रहो खेलते रहो तो उसको मज़ा आता है, शांत बैठने से रोने लग जाती है, तो मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ, कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, हंसती भी रहती है, और बच्चा के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ढोकला सूजी का, और थोड़ा सा चना दाल भी मैं इसमें पीस के डाली हूँ, और अदरक हींग मिर्ची सब कुछ डाली, हल्दी हल्का सा डाली, तो मैं ढोकला का बैटर बना के रख देती हूँ दही के साथ। यहाँ कहाँ से? नहीं नहीं पापा, अरे पापा गुस्सा, जहाँ से जाते वहीं से चलो ना। गाइस मैं वापस ले गई बाबू मतलब बेटे को ड्रॉप करने, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने, पूजा के मंदिर जाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका है आलू पराठा, तो पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद मंदिर जाऊँगी, मेरे घर का पूजा तैयार जब मैं, उसके बाद भी बहुत सारा काम है पूजा करने के बाद भी। चलो भागती हुई दौड़ती हुई ले गई बेटी को, अगर दौड़ते हुए लेके नहीं जाते बस छूट जाता आज उसका, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया आज से उसका। मैं मंदिर में आ गई तो फटाफट से पूजा करके फिर मैं जाती हूँ नीचे। बाबू पापा नीचे ही ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है आओ, पापा कॉल किए थे, पूरा कैमरा गंदा कैसे। हाँ क्या बच्चा, जल्दी आओ मेरे स्कूल से, अच्छा है मेरा बच्चा। हाँ लल्ला फटाफट ड्रेस चेंज कर दे तुम्हारा, इधर आओ, मेरा बेटा स्कूल से आते ही सबसे पहले वो ड्रेस चेंज करेगा, उसका एक हैबिट बना हुआ है, बट बेटी नहीं, बेटी आएगी इधर उधर घूमेगी, दादाजी क्या लेके आए वो देखेगी, और बेटा को देखे अपने से सॉक्स खोल लिया, फटाफट से आई कार्ड निकाल के हटाएगा, तो गाइज मैं फटाफट से देखिए आई कार्ड निकाल कर फेंका, अब शर्ट वगैरह फटाफट वरना मेरा खोलने लगेगा, खुद करता है खुद, समझदार मेरा बेटा हो गया, बहुत समझदार है मेरा बच्चा, बहुत अच्छा है मम्मा का बच्चा। और गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपका मतलब घी निकाल रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, बहुत सारा मलाई मैं स्टोर की थी फ्रिज में, दूध आता तो मैं बहुत जतन से मलाई को निकाल के अच्छे से ध्यान से मैं रख देती हूँ, और ऐसे ही मक्खन निकाल निकाल के मैं घी बनाती हूँ। उसके बाद मैं बनाई ढोकला, मतलब जिम जाने का यहाँ पे मैं तैयारी हुई हूँ, उसके बाद ये सब काम की रेडी होके ही मैं
और उसके बाद शाम को मैं यहाँ बैठी थी जिनसे आने के बाद, तो मुझे चाय बनाना है, तो यहाँ पे बाबू को लेके जा रहे हैं उसके बड़े पापा, और जब भी लेते हैं तो उनको मतलब लगता है कि पूरा टाइट एकदम हग करें, किस करें। गाइस मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने, और अभी घी निकाली पापा उस टाइम देखे, और ये घी अब भी हुआ है जाके, कितना निकलेगा वो एक लीटर का जो जार है उसमें डालने के बाद ही आइडिया मिलेगा। 800 ग्राम से तो कम नहीं होना चाहिए, 800 ग्राम तो घी कम से कम निकलना चाहिए। ये फैन ऑफ करती हूँ तो बात करते हैं उससे, और दूध भी आ गया है, दूध को ही बैठा देती हूँ मैं। अब ये जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक मैं इसको दूसरे बर्तन में नहीं शिफ्ट कर सकती हूँ, ठंडा हो जाए। और मैं जिनसे आने के बाद चावल बनाई और पत्ता गोभी आलू का भुजिया बनाई, और उसके पहले तो मैं ढोकला बनाई थी वो आप लोग देखे मॉर्निंग में, और आलू पराठा, तो आलू पराठा भी बचा हुआ है, आलू पराठा भी पिया इसमें, और पत्ता गोभी आलू का भुजिया ख़त्म हो चुका है, नहीं है थोड़ा सा है, राइस भी ख़त्म हुआ है थोड़ा सा है, बेटी के लिए रख दी हूँ मैं। तो मैं फटाफट से दूध गैस पर बैठा के चाय बनाती हूँ, चाय बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पे सेम डे का ये ब्लॉग आपका चल रहा है, नेक्स्ट डे का नहीं है, तो ये सेम डे का इतना सारा काम है कि इसीलिए मैं बहुत थक जाती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठेकुआ बना रही हूँ सूजी का, और पति दी यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे हैं तो मैं हंस रही हूँ उनके बात सुन के। अब मेरा तरु ये है, प्लेन है इसीलिए ज़्यादा गिरते हैं। ये पतिदेव जी आ गए चैम्बर से, और भी रात का बज रहा है 9:30, तो बाबू को लेके यहाँ पे खिला रहे हैं, और यहाँ पे इसके साथ ऐसे ही मस्ती हम लोग करते हैं। जब मस्ती करते हैं तो बहुत ध्यान से देखती है, बहुत अच्छे से खेलती है, उसको शांत लेके गोद में रखना बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, गुस्सा होने लग जाती है, रोने लग जाती है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मैं यहाँ पे मोमो का तैयारी कर रही हूँ बिना प्याज का, पत्ता गोभी और गाजर पनीर चीज़ ये सब डाल के, बिकॉज आज है एकादशी, तो एकादशी में हम लोग चावल नहीं खाते, तो इस टाइप का रोटी मोमोज वगैरह खाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा मतलब अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, बिकॉज पता नहीं लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई फेज उड़ गया है जिसमें का हम लोग का फ़ैन ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट एसी ऑन हो रहा है, तो ये मॉर्निंग से ही प्रॉब्लम आ रहा है। और कहीं कहीं का लाइट्स जो कि हम लोग का यूज़ में नहीं है वो लाइट्स ऑन हो रहा है, जहाँ जो यूज़ में वो ऑन ही नहीं हो रहा, किचन का ऑन मतलब ऑन ही नहीं हो रहा लाइट, तो किचन में आज कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी, लाइट के बिना क्या ही काम होगा। और रूम का एक लाइट ऑन है, और इतना ठंड है कि इंसान एसी चलाने से तो बहुत ठंड लग रहा है, और फ़ैन तो ऑन हो नहीं रहा है, तो मैं बीच बीच में एसी ऑन करती हूँ फिर ऑफ करती हूँ, यहाँ पर ब्लैंकेट भी ओढ़ के रखी हूँ मैं, और जिम से आई थोड़े पहले और एकदम थक गई हूँ, तो मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ रही थी, तो उसको मैं बुलाई बेटा एक गिलास पानी दे दो ला के, मन नहीं कर उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और थोड़े पहले बाबू को भी ली थी मैं, छोटी वाली बेटी को ली थी, और क्या बोलूँ आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह होगा घर पे, तो माँ भी गई है नाइट वॉक पे, आती है तो होगा, तो बस कुछ नहीं मैं ऐसे ही रहूँगी, कोई ड्रेस चेंज नहीं करूँगी, मन नहीं कर रहा चेंज करने का, तो बस यही सब है। और अभी नींद बहुत डेंजरस आ रहा है, पानी पी के थोड़ा सा एनर्जी आएगा तब मैं जाके चाय बनाऊंगी। और कल तो मैं बहुत ही जल्दी सो गई, नींद आ गया, बेड पे आई नहीं, मतलब आजकल क्या हो मतलब टच नज़र नहीं लगे, मैं एक बार बोलती हूँ तो मेरा नज़र मेरे ऊपर ही लग जाता है, मैं अगर बोल दूँगी हाँ सो रही हो, मतलब थोड़ा सा कल जल्दी नींद आ गया, एक दो दिन भी ऐसे हो रहा था, बट कभी कभी 2 बज जाता है 3 बजे, उससे तो अच्छे जल्दी सो जाना। और मैं आज बोल दी कल से मेरे साथ ऐसा होगा कि फिर 2-3 बज जाएगा सोने में, क्या हुआ बेटा? और आज मैं इतना सारा ठेकुआ खाई हूँ कि क्या बताऊँ मैं, कल मैं जो ठेकुआ बनाई बहुत सारा ठेकुआ खा ली, बहुत ठेकुआ खा ली। तुमको भी ठेकुआ बहुत पसंद है बेटा, इसको भी पसंद है, इसके पापा को पसंद है, हम लोग के घर में सबको ठेकुआ बहुत, ड्रेस नहीं है बेटा वो रख दो, फालतू का फालतू है वो है, छोड़ दो रख दो बेटा, वो काम का नहीं है वो।
नहीं बेटा रख दो, तुम अभी रख दो, ट्यूशन पढ़ जाओ, मैम बुला रही है बेटा, अभी जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, जाओ बेटा, मामा को उठने का मन नहीं कर रहा, इसलिए पानी के लिए बुलाई तुमको, और पिक्चर भी एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। और कल क्या हुआ था, बेड पे मैं मोबाइल रख दी, रख के सो गई एकदम साइड कॉर्नर में, यहाँ पे रख दी थी, उसके बाद जो मेरे को नींद आया डेंजरस, उसके बाद वो मोबाइल नीचे गिरा तो मेरा नींद खुला कि क्या इतना ज़ोर से साउंड किया, बट ये था नीचे कारपेट था तो इतना कुछ नहीं हुआ, कारपेट नहीं रहता फिर ग्लास वगैरह फूट सकता था। तो गाइस अब जब मंदिर में जाऊंगी तो मिलती हूँ फिर आप लोग से। तो गाइस अब मैं मंदिर में आ गई और अभी शाम का मतलब बज रहा है 7, तो यहाँ पे तुलसी विवाह का मतलब माँ तैयारी कर रही है, तो वो जब तैयारी हो जाएगा तो फिर पूजा पाठ दिया जलाना ये सब होगा, और कितना भी एनर्जी नहीं रहे बॉडी में बट घर में कुछ हो पूजा पाठ तो एक अपने से एनर्जी आ जाता है अंदर से, तो वही था। अब जिम से आने के बाद एकदम एनर्जी डाउन हो गया था, बिकॉज एक तो मॉर्निंग से उठ के नॉन स्टॉप मैं खड़ी ही रहती हूँ, एक मिनट के लिए भी मैं बेड पे सोने नहीं जाती हूँ, तो इसके कारण बहुत मैं थक जाती हूँ, एकदम थक जाती हूँ। मैं बाबू को लेके यहाँ पे, ये सच में ये जितना वीडियो में जैसे दिखती है रियल में इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत प्यार आता है इससे। भाई को पसंद है बगिया देखने को गणपति जी आए, बगिया देखने को गणपति जी आए, गणपति जी आए संग मेरी दीसी जी आई, गणपति जी संग मेरी दीसी जी आई। लचके डाली लचके डाली मेरे बगिया का तुलसी ना तोड़ो माली, मेरे बगिया का तुलसी ना तोड़ो माली, बगिया का। और बोला जाता है कि कार्तिक मास में मतलब दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है, तो यहाँ पे मतलब 11-11 हम लोग तीनों जन दिया मिलके, तीनों सास बहू मिलके यहाँ पे 11-11 करके दिया जला रहे कार्तिक महीना का, तो महीना भर का ये दिया हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो नियम होता है वो नियम करेंगे, और भी कुछ मैं ऐसे ही वॉइस ओवर वहाँ नहीं करूँगी, ओरिजिनल वॉइस ही मैं छोड़ दूँगी। और बड़ा तुलसी का पेड़ रहता तो मतलब और भी सुंदर लगता, पूरा चुनरी बड़ा करके पहना दो, फिर बड़ा बड़ा बैंगल्स चूड़ी ये सब बहुत जितना सजाओ उतना सुंदर लगता है, बट इसमें चूड़ी पहनाने लायक था नहीं, वो गिर जाता, तो सिंगार का सामान में जो सिंदूर बिंदी होता है वो सब चढ़ाया गया, मतलब हम तीनों सास बहू चढ़ाए, और उसके बाद पूरे पत्ते पे मांग भर रहे सिंदूर से हम लोग, और मतलब मैं ऊपर आई फिर मुझे ऐसा लग रहा कि पहन लेना चाहिए, मन नहीं करता फिर भी साड़ी कैसे भी पहन लेना चाहिए था, नहीं पहनने के बाद अफसोस होता है, बोले कोई बात नहीं पूर्णिमा है पूर्णिमा में देखा जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट डे से पहन लेंगे। चार दिन लेना छुट्टी बढ़िया ना है, ऐसा सिंदूर पानी बहुत कॉस्टली सिंदूर का, बहुत महंगा सिंदूर है, मुक्के ठेके खाती रखे हैं, मुक्के ठेके खावे का बढ़िया होता है। तुलसी के हो गईले भोर हमारा था तुझे के कई एकदम थोड़ा सा गंगा मेरे बगिया का तुलसी ना तोड़ो माली, ना तोड़ो माली पते पाते पर बैठी है बनवारी पते पाते। अरे मेरा लगी दी दी कितना नहीं मना मनातीन यार रोती है रे मनातीन ए मनातीन मना को पर से कौन जला था अभी से तो बिन्दी लगा है नाक में सुपर लगे ना नाक पर से कौन जला पूर्णिमा
अति पुनिया कर दिया हम लोग तुलसी जी के ब्याह, लेकिन आज ना मुहूर्त बहुत बढ़िया बा तुलसी जी कैसे लगाई दादी हाँ तो भी हो जाएगा। हाँ बता पढ़ने रखू तुम नहाओ फिर दूर से आज तुम मत बताएं कितना सुंदर बजरंग बली को कर दिया है गोलू। पर ना जानते है कब अच्छा लगता है मेरे को, ये हल्का सा छोटा सा मंडप बनाओ ऐसे उससे लाल कपड़ा से सुंदर लगे। अब भगवान घर तो सुख दिए ना तब बोली ये ना होला बनेला मारो बनेला तू कहाँ बनी तू देख लेने की सका हमने के कोई ले बनी सुन दिया है देखो ट्रंक पर चांदी का दिया है ट्रंक पर हाँ बर्तन धो के रखा हुआ है उस पर से ले आओ तो वो तो यहाँ मैं यहाँ माता टन टन मारती है पर और तुलसी विवाह मेरा शादी के बाद ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब पहले होता था तुलसी विवाह बट हम लोग का मतलब ओपन जगह नहीं है तो तुलसी जी का पेड़ रखने से सूख जाता है तो इसलिए नहीं रखते थे। तो इस साल से मतलब माँ लेके आई है और व्रत भी की है तो और माँ के मुँह से सुने कि भगवान घर का सुख देंगे तो मतलब मैं बोली कि मतलब पूरा माड़ोड़ो गार के पूरा मंडप जैसा बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग भी रेडी नहीं हुए बिकॉज मैं तो नहीं रेडी हुई कि एनर्जी नहीं था, आप लोग उस टाइम देखे ही। तो बस यहाँ पे जो शादी विवाह जो जैसे होता है वो सब नियम सिंदूर वगैरह हम लोग लगाएं और उसके बाद प्रॉपर रूप से जो मंडप बन के बनता है तो भगवान जब घर देंगे तो वो भी होगा अच्छे से। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद कोणन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया सुर साम शरण आए सकल की जय सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा दीनन के लाज रखो शंभु सुत वारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी चारि पिता महादेवा गणेश महाराज की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम राधा श्याम 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 हरे राम 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 राधा श्याम 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 महादेव भगवान की जय तुलसी जी के विसर्जन करे के पड़े फिर नया तुलसी जी ले आओ समझ गई। जा रही हूँ अभी खाटू श्याम मंदिर में, यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देगा मुझे पता है।
हमने आ गए खाटू श्याम मंदिर से और तो हमें रुके और मतलब आप लोग देखते होंगे मैं हाथ निकल के मैं हाथ उठाती हूँ ऐसे दिखता है, तो मैं रीज़न आज बता देती हूँ कि एक हाथ में तो एनी टाइम मैं पहनी रहती हूँ तो राइट हैंड से मोबाइल पकड़ती हूँ, तो इस हैंड में मैं एक कांच की चूड़ी हमेशा डाल के रखती हूँ, तो मेरा कांच का चूड़ी हमेशा दब जाता है चाहे कुछ हो जाता है, और मेरा मतलब मुझे कांच का चूड़ी पहनना पसंद है, मैं मेटल वगैरह नहीं पहनती हूँ एक हाथ में। अब कहीं बाहर भीतर गई तो मैं जो हाथ में ये पहन के रखती हूँ ये पहन के रखती हूँ और इसमें घड़ी पहन लेती हूँ, तो कभी क्या होता है कि घड़ी में खोलती हूँ और सडनली मैं सूट करती हूँ तो आप लोग ऐसे दिखता हो, या फिर कांच का चूड़ी मेरा क्या होता है कि कभी कभी एकदम ऊपर चला जाता है और स्लीव्स ऐसे हो जाता है, देखिए तो नहीं दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा मेरे हाथ पे बैंगल्स नहीं है, बैंगल्स रहता है बट ये अंदर चला जाता है मेरा इसका, तो नहीं दिखता है मेरा, तो मैं सोचिए बता दी क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जन नोट करने वाला होता है लोग, बट मैं मतलब मेरे यहाँ का संस्कार है कि बिना हाथ में चूड़ी पहने कुछ भी काम नहीं किया जाता है, बिना मांग में सिंदूर टच के कोई काम नहीं किया जाता है, ये एक जो मैरिड लेडी होती है वो नियम होता है मैरिड लेडी का, तो ये खुद का मेरे अंदर खुद को समझ है कि ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, इतने तो आप लोग देखेंगे तो कहीं लगेगा कि हाँ तो चूड़ी नहीं है, मन में कुछ भी सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है हाथ उठाई नॉर्मल ऐसे उठाई ऐसे बोली कुछ तो इसमें नहीं दिखता है, तो गलत मत सोचिएगा, और इस हाथ में तो एनी टाइम रहता है तो राइट हैंड से पकड़ती हूँ तो फिर नहीं दिखता है, ये चीज़ मुझे बताना था तो मैं सोचिए इन्फॉर्म आप लोगों को बता दूँ मैं। सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बाय, गुड नाइट।